Assalamualaikum my dear students, I am your favorite teacher Sadhusan. Today we are going to discuss the last topic of this round that comprises of numericals from numerical number 7.5 to 7.9. तो 7.5 से लेकर 7.9 तक ये numericals इस हमारे lecture के अंदर शामिल है. हम लोगों ने कवर किया है कि इसमें दो most important जो numericals हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी जो रेलेवेंट numericals हैं वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्ट्रक्स समझ में नहीं आता है तो वो आप मेरे साथ जो है सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए फिर हम जो स्टार्ट करते हैं numerical नंबर 7.6. numerical नंबर 7.6 को समझने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको स्टेटमेंट समझना होगी. numerical नंबर 7.6 के अंदर वो कहते हैं कि द हेड ऑफ अ पेन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. तो हमें क्या करना है, प्रेशर मालूम करना है जो कि 20 न्यूटन फोर्स की वजह से पैदा होता है. एक पेन के हेड के ऊपर ये फोर्स लगाई जा रही है और हेड जो है स्फीयर शेप में. स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि उसका हम एक सबसे पहले नंबर पे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम उसका एरिया मालूम करेंगे और ईच साइड जो स्क्वायर की है वो है कि हमारे पास है 10 मिलीमीटर. तो डेटा के अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और फिर हम इन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है हम सॉल्यूशन को प्रोसीड करेंगे. तो बढ़ते हैं हम डेटा के अंदर. सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो स्क्वायर गिवन है उसकी जो एक साइड की जाहिर चार साइड स्क्वायर की एक जैसी होती है तो एक साइड की जो लेंथ है एल वो हमारे पास है 10 मिलीमीटर. ये मैंने सपोज कर लिया है कि हम इसको एल से रिप्रेजेंट करें. 10 मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करके तैयार कर देते हैं. तो उसके बाद जो है हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. चूंकि स्क्वायर फॉर्म में एरिया है तो इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएंगे एरिया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 1000 और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा. तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास है जो फॉर्म बनती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 1 × 10⁻⁴. 10⁻⁴ कैसे बना, नीचे भी 100 है इधर भी नीचे 100 है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10000 बन जाता है यानी 10⁴ ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -4 बन जाएगा. और इसके अलावा जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास है 20 न्यूटन और हमें प्रेशर मालूम करना है. अब हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमारे पास फोर्स भी गिवन है और एरिया भी जब हमारे पास गिवन हो तो फिर हम प्रेशर कैसे मालूम कर सकते हैं. प्रेशर का सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ. सोल्यूशन में हमारे पास है फॉर्मूला P = force per unit area जो कि हम ऑलरेडी जानते होते हैं. तो इसके अंदर जो है हम वैल्यूज पुट करेंगे. फोर्स हमारे पास कितनी है, 20 न्यूटन है और ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ. बारह मतलब ये बात बताई जा चुकी है कि वैल्यूज पुट करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करने हैं, यूनिट्स पुट नहीं करने हैं. तो इस यही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, यूनिट्स पुट नहीं करने हैं. फोर्स आपके पास 20 न्यूटन है और एरिया आपके पास 1 × 10⁻⁴ है. इनको सिंपलीफाई करेंगे, 10⁻⁴ को ऊपर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव 4 हो जाएगा और इधर 20 एज इट इज आ जाएगा. 20 को 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा जा सकता है. 10 को 10⁻⁴ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. वैसे देखते हैं जब होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो पावर्स ऐड हो जाया करती है. पावर्स ऐड करने के 4 + 1 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पावर की जगह कुछ ना हो तो वहाँ पर 1 होता है. तो इस तरीके से 4 + 1 आपके पास 5 हो जाएगा. तो इस तरीके से आपके पास पार्शियल का सॉरी प्रेशर की जो फाइनल वैल्यू आपके पास आई है वो है 2 × 10⁵ पास्कल. तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमने फाइंड आउट करना था. इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है वो है 7.8 न्यूमेरिकल. 7.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझिएगा. 7.8 न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो हमारे पास ये कहा जा रहा है कि बल्कि सॉरी 7. ये हमारे पास न्यूमेरिकल है 7.9 ना कि न्यूमेरिकल नंबर 7.8 है. ये बच्चों याद रखो 7.9 न्यूमेरिकल है, 7.8 न्यूमेरिकल नहीं है. तो इसके अंदर जो है इसकी सबसे पहले नंबर पे आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है. एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर. कैलकुलेट इट्स डेंसिटी. इसकी डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है. कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब वो जो डेंसिटी आएगी आपके पास, जाहिर है हम जानते हैं पीछे टेबल्स के अंदर टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि हर मटेरियल की एक स्पेसिफाइड डेंसिटी होती है. तो यहाँ पर जो डेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये किस किस्म का मटेरियल है, ये भी हमें बताना है. तो बढ़ते हैं आगे स्टेटमेंट की जानिब. एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन इन एयर,
Its weight is found to be 11.4 newton when immersed in water. Calculate its density. इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए. Can you guess the material of the object? क्या आप ऑब्जेक्ट का मटेरियल गैस कर सकते हैं? वो हमने गैस करना है उस वैल्यू से जो डेंसिटी वैल्यू हमारे पास हासिल. तो सबसे पहले नंबर पे डाटा की वैल्यू पढ़ेंगे. डाटा हमारे पास जो है वो जो है गिवन स्टेटमेंट के बाद जो है देखेंगे तो वो हमारे पास है W1. W1 वेट हमारे पास है ऑब्जेक्ट का इन एयर और वो कितना है 18 न्यूटन. और जब हम उसको लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर इमर्स करते हैं तो तब जो वेट बनता है वो जाहिर है वेट डिक्रीज होगा ड्यू टू थ्रस्ट फोर्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो वो क्या है हमारे पास है W2. उसको हमने W2 से रिप्रेजेंट करना है और ये हमारे पास है 11.4 न्यूटन आफ्टर जो है डिक्रीज इन द वेट. अच्छा इसके अलावा जो है जैसे वाटर के अंदर जो है हमने एक सब्जेक्ट को इमर्स किया है उसकी डेंसिटी हमने लिखी है. वो डेंसिटी हमारे पास रो है जो कि 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है. और इसके अलावा हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी. जिस ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं इमर्स कर रहे हैं उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें मालूम करना है. अब इसके लिए जो है फॉर्मूला हम जानते हैं डी इक्वल टू कैपिटल डी इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इनटू रो. तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक के अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद वाला जो छोटा सा टॉपिक है. अच्छा इसके अंदर हम क्या करेंगे ये वैल्यूज पुट कर देंगे. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इनको सिंपलीफाई करते हैं. सिंपलीफाई करने की सूरत में हमारे पास 18000 डिवाइडेड बाय 6.6 आ जाता है. तो इनको जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2727 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी ऑफ अ जेट ऑब्जेक्ट आ जाती है. कौन से ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वाटर के अंदर इमर्स किया है. अच्छा तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है प्यारे बच्चों 2727 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये एक स्पेसिफिक वैल्यू. आप चेक कीजिएगा डेंसिटी वाले टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो है डेंसिटीज गिवन उनमें आप देखेंगे अगर तो 2727 अराउंड अबाउट ये वैल्यू है ये करीब तरीन कौन से सब्सटेंस की वैल्यू बनती है. तो वो डेफिनेटली वो वैल्यू बनती है किसकी एल्यूमिनियम की. तो इस तरीके से जो है मटेरियल हमारे पास क्या बन गया एल्यूमिनियम. तो इसके साथ ही हमारे ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ. आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी अराइज हो या तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया का कोई भी आप कम्युनिकेशन यूज करके रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.